हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण प्रताप, देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे कि आधार पैन कार्ड को लिंक करने के ऊपर एक बार चर्चा चली थी, तो काफ़ी लोगों ने उस टाइम अपना आधार को पैन कार्ड से लिंक कर लिया था। अगर आप आधार से पैन को लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड एंड आपका आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, आप बैंक से 50,000 ऊपर तक का पेमेंट नहीं ले पाएंगे, ऐसा आप लोगों को बताया गया था। एंड बताया गया था आपका जो पैन कार्ड वो निरस्त हो जाएगा, वो कहीं काम नहीं कर पाएगा अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करोगे। तो काफ़ी लोगों ने क्या किया था, उसको अपनी ई फिलिंग की वेबसाइट से लिंक कर लिया था मेरी पुरानी वीडियो देख के, एंड काफ़ी लोगों ने नहीं कर पाया था क्योंकि ई फिलिंग की वेबसाइट में आ गया था अपडेट। अपडेट आने के बाद ई फिलिंग की वेबसाइट जो है चल नहीं रही थी, तो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे हम क्या करें। इसके लिए एक जुगाड़ निकला था कि एक मोबाइल नंबर पर आपको SMS भेजना पड़ेगा। SMS आपको कैसे भेजना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में, और SMS किस नंबर पर भेजना पड़ेगा हम वो भी आपको बताएंगे। बट वीडियो आप पूरा देखना, वीडियो कहीं छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर वीडियो में आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे। एंड काफ़ी लोग कहेंगे अभी मैं फेस दिखा के वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, तो भाई जितनी वीडियो आएंगी अभी सब बिना फेस के आएंगी, कारण मैं आपको बाद में आगे बता दूंगा। चलिए अभी मैं बताता हूँ कौन से नंबर पर आपको कौन सा मैसेज आपको यहाँ पर सेंड करना है। तो जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे हो 5767678 पर या 5661 पर आपको भेज देना। UIDPN लिख के बड़े अक्षरों में लिखना, UIDPN बड़े अक्षरों में लिख के स्पेस आधार नंबर पैन नंबर ये सब लिख के आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, यानी सॉरी मैसेज करना है। ये जैसे आप कर देंगे आपका आधार से पैन लिंक हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जाना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक कल टेक केयर, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए कर रखना।